आपकी वाइफ आप पर झूठे एलिगेशंस लगा रही है, झूठे आरोप लगा रही है, वो आपको कंटिन्यूसली धमकी दे रही है कि वो आपके ऊपर झूठे केस कर देगी, वो आपके ऊपर झूठी एफआईआर कर देगी, वो आपसे मनी एक्सट्रॉट करने की कोशिश कर रही है, वो आपसे पैसों की डिमांड कर रही है, तो क्या आप जानते हैं इस केस में अगर आपके पास रेलिवेंट प्रूफ्स अवेलेबल है जिससे ये साबित होता है कि आप इनोसेंट हो, तो आप झूठे केस झूठी एफआईआर से बच सकते हैं। और इन केस अगर आपके ऊपर एफआईआर हो गई है और आपके पास रेलिवेंट प्रूफ्स अवेलेबल है, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेजेस हो गए, टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स हो गए, जिससे ये समझ में आता है कि आपकी वाइफ ने आपको थ्रेटनिंग मैसेजेस किए हैं, आपसे मनी एक्सट्रॉट करने की डिमांड की है, और आपको वो ये धमकी दे रही है कि वो आपके ऊपर झूठे केस झूठी एफआईआर कर देगी, अगर आपके पास ये सारे चैट्स मैसेजेस फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो ये आपको बहुत काम आ सकता है जी। अगर आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है तो आप अगर ये सारे प्रूफ्स कोर्ट पे प्रोड्यूस करते हैं तो आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल सकता है, और अगर आप इसमें ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हो तो आपको रेगुलर बेल भी मिल सकता है। क्या आप जानते हैं आपके पास बहुत सारी रेमेडीज अवेलेबल है जी। अगर आपकी वाइफ आपको धमकी दे रही है, आपके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा रही है, तो सबसे पहले आपको एक रिटन पुलिस कंप्लेंट देना होगा पुलिस स्टेशन में। उसमें आप सब मेंशन कर सकते हैं आपकी वाइफ ने जो झूठे एलिगेशंस लगाए हैं किस तरह से लगाए हैं, और उसको झूठे साबित करने के लिए आपके पास क्या क्या प्रूफ्स अवेलेबल है, आप खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए आपके पास क्या क्या प्रूफ्स अवेलेबल है, और हो सकता है आपकी वाइफ ने भी आपको कभी टॉर्चर किया हो, कभी हरास किया हो, तो वो सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। आप अपनी वाइफ को एक लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं जी। और आपकी वाइफ आपसे मनी एक्सट्रॉट करने की कोशिश कर रही है, आपको थ्रेटनिंग मैसेजेस कर रही है, आपसे पैसों की डिमांड कर रही है, तो क्या आप जानते हैं आपकी वाइफ पर एफआईआर भी हो सकता है जी। मनी एक्सट्रॉट करना ये एक क्राइम है और इसमें सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी लगता है, जिसमें 3 साल तक की सज़ा है और फाइन भी लग सकता है। और अगर आपकी वाइफ आपकी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर रही है सोसाइटी में और वो झूठी झूठी अफवाहें फैला रही है, तो उसमें सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी लगता है, जो कि है डेफेमेशन, और उसमें 2 साल तक की सज़ा है और फाइन भी लग सकता है।